गाइस, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ काजल सिंह। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है खेल परिसरों को याद रखने की ट्रिक। हमेशा एग्जाम में इसे क्वेश्चन देखे गए हैं, एसएससी, बैंक, पीओ की कौन से गेम में कौन सा खेल परिसर होता है, उनके नाम हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम उनके नाम को याद रखने की ट्रिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रिक डिस्कस करेंगे उन खेलों के परिसर को कोर्ट कहते हैं। तो इसकी ट्रिक है, कोर्ट में स्क्वैश कब बैट खोने वाला है, कोर्ट में स्क्वैश कब बैट खोने वाला है। तो ये सारे जो भी गेम्स हैं उनके जो परिसर हैं उन्हें हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, स्क्वैश से स्क्वैश, कब से कबड्डी, बैट से बैडमिंटन, खो से खो खो, ने से नेटबॉल, ब से वॉलीबॉल, ला से लॉन टेनिस एंड है से हैंडबॉल। तो ये जितने भी हैं गेम्स उनके परिसर को हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। जस्ट आपको एक सेंटेंस याद करना है और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं हम इन खेलों के परिसरों को रिंग कहते हैं। तो देखते हैं इनकी ट्रिक है, रिंग में मूसक। मूसक जैसे कि आप जानती हैं चूहा, जस्ट आपको रिलेट करना है रिंग में मूसक। तो मुँह से मुक्केबाजी आप सभी जानते हैं और सक से स्केटिंग। इनके जो भी परिसर होते हैं उन्हें हम रिंग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इन खेलों के परिसर को हम रिंग कहते हैं, रिंक। और इसकी ट्रिक है, रिंकी को कर्ली आइस पसंद है, रिंकी से रिंक एंड कर्ली से कर्लिंग और आइस से आइस हॉकी। तो ये जितने भी फ्रेंड्स हमारे ट्रिक्स हैं, आपको पता ही है कि हम एक ही लाइन में सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको हमारा न्यू फीचर तो पता ही है, हमने आपके लिए जो क्वेश्चन पोल क्रिएट की है उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। ऊपर साइड पे आपको राइट साइड पे आई सिंबल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप सेशन के एंड में ही अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपकी क्विक रिविजन हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।